मैं माया क्रिएशन की तरफ से सब अपने देश प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा करवा चौथ की भी और आने वाली दिवाली की नव वर्ष की। सबको हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने रविवार को न्यू शिमला सेक्टर 1 के छतरी वाले पार्क में ग्रीन न्यू शिमला सोसाइटी द्वारा आयोजित पुष्प प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र के विकास में किसी भी संस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वहीं न्यू शिमला में गठित सभी संस्थाएं अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यहां पर विकास कर रही है, जो कि बेहद सराहनीय है। शिमला के सोसाइटी के श्री मानी सिंह जी उसके प्रेसिडेंट होते हैं, रिचर्ड साहब इज द जनरल सेक्रेटरी, जिनकी एलिवेशन जो है वो जल्दी होने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है जनरल सेक्रेटरी का होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। गुजर साहब जो है सबसे इम्पोर्टेंट काम अपने पास रख के जो है पूरे मेरे पास तो कोई काम नहीं। फॉर अ फ्लावर कॉम्पिटिशन शो, एंड द फ्लावर कॉम्पिटिशन शो इज नॉट ओनली अबाउट द शो, कितनी मेहनत लगती है इसमें, कला लगती है, और कई तो हमारे लोग हैं वो रात को नींद भी नहीं आते कि हमारे प्लांट को जो है पानी दिया कि नहीं दिया है, ये भी बात है। आई नो दिस बिकॉज मेरे मदर जो है शी इज ऑल्सो प्लांट लवर, वो भी लगे रहते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो प्लांट खड़ा हुए चाहे ना हुए। बॉटल के अंदर से जो है कैक्टस वेराइटी का, आई डू नॉट नो द वेराइटी ऑफ द सेम कैक्टस फैमिली, लेकिन बहुत अच्छे सुंदर हैं और इसमें मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और एक इकट्ठे होने का, सभी के एक प्लेटफॉर्म पर आने का, इकट्ठे बैठने का, मेलजोल बढ़ाने का, ये एक बहुत अच्छा जो है एक प्लेटफॉर्म भी है। क्योंकि आजकल का जो जीवन है, पहले मुझे याद है मोहल्ले पड़ोस में, हालांकि न्यू शिमला की अगर बात करूं, ये एक गांव हुआ, पटियोक गांव हुआ करता था, धीरे धीरे शहरीकरण हुआ, आज जो है यहां पे गाड़ी खड़ी करने की जगह भी है, इतना जो है इवन नाउ शिमला अगर बात करें कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, न्यू शिमला के आगे तो शिमला भी, अभी तो शिमला सिटी भी जो है वो छोटी लगती है अगर आप तारा देवी से अगर आप देखेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है विकास नगर न्यू शिमला से लेकर बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है क्षेत्र है तो छोटा लगता है। और जब से मोबाइल आए हैं, पहले मुझे याद है मोहल्ले पड़ोस में भी कुछ छुट्टी होती थी तो उस टाइम शोज जो है वो कम हुआ करते थे, और एक दूसरे के घर से खाना ले जाना लाना ये हुआ करता था, या छुट्टी वाले दिन जो है एक फैमिली एक चीज़ बनाएगी, दूसरी फैमिली दूसरी चीज़ बनाएगी, कोई चावल बनाएगा कोई दाल, और कोई लेंटर के ऊपर या ग्राउंड में इकट्ठे बैठ के दिन में, और बच्चे भी इंटरेक्ट करते थे। बच्चे जो हैं सभी को पता है कि अपने कमरे से भी नहीं निकलना, जो वो सोचते सकती है। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। आज हमने ग्रीन न्यू शिमला ने एक फ्लावर शो कॉम्पिटिशन रखवाया है अपने पूरे न्यू शिमला निवासियों के लिए, जिसमें हमारे माननीय आदरणीय राणा अनुरुद्ध सिंह जी विधायक वो इसका शुभारम्भ करेंगे, और साथ में उन्हें हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर भूपेंद्र अत्री जी और साथ उनके डिप्टी मेयर जी भी उपस्थित हैं और सभी काउंसलर्स भी आए हैं। मैं आज हमने ये पूरा कॉम्पिटिशन सारे न्यू शिमला निवासियों के लिए लगाया, ताकि लोगों को जागरूक हों कि ये अवेयरनेस के यहाँ पर्यावरण को हम शुद्धि रखने के लिए सारा, और बढ़ चढ़ के काफ़ी लोगों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया, काफ़ी देखने को हमारे को मिल रहा है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्लांट्स यहाँ पर आए हैं, और जैसे ये आप देख भी सकेंगे यहाँ पे आके समय कि कैसी लोगों में उत्सुकता है कि अपने इस ग्रीनरी के बारे में। तो आज हम ये चाहेंगे कि आगे के लिए भी हम सभी से कि ये आए हमारा बढ़ चढ़ कर, हमने यहाँ पे हमारी जो संस्थाएँ हैं हेल्प एज ग्रुप्स वगैरह वो भी आए हैं, और सीनरीज भी हमारे जो फोटोग्राफर्स उन्होंने अपनी सीनरीज कुछ डिस्प्ले की हैं, हमने प्लांट्स भी सेल्स के लिए रखे हुए हैं सारे, और हमारा ये हमारे आदरणीय मैडम माला सिंह जी ये हमारी प्रधान है जो जिनकी उसमें हम सारी ये कार्य करते हैं,
तो हम इन्हीं सभी का हम अपने सेक्टर फोर सोसाइटीज़ और ये जितनी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ जिनके मान्यवर हमारे यहाँ आए हैं, उपस्थित हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी इस कार्यक्रम को सभी आए और शोभा बढ़ाने का हमें। कुल प्रतिभागी कितने होंगे और किस तरह के जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जाएगा? ये लगभग हमारे कोई 50 इसमें एंट्रीज हमारे पास आई हैं टोटली, और प्लांट्स को अगर देखे कर लो कम लग 200 के करीब प्लांट्स हैं टोटल सारी, इसमें फ्लावरिंग है, फोलियज है और सकुलेंट्स हैं। इसी कैटेगरीज में हमने 3 जजेस बाहर से बुलाए हैं जो बहुत यहाँ के प्रसिद्ध हमारे जजेस हैं, तो आए हैं वो सारे जजेस उन्होंने की हैं यहाँ पे, और उसका रिजल्ट हम अभी 11 बजे के बाद हम कर देंगे। उसके बाद 3:30 बजे हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसमें हम सभी जितने भी यहाँ इसमें हमारे स्कूल्स इंस्टीट्यूशंस वगैरह ने भी पार्टिसिपेट किया, जैसे डीवी स्कूल्स रजाना न्यू शिमला की, जितनी हमने इसको न्यू शिमला तक ही सीमित रखा है जिसमें हमारी सभी आए हैं, छोटा सा रजाना हमारा प्राइमरी स्कूल्स भी हैं उनकी भी एंट्रीज आई हैं, बच्चों की एंट्रीज आई हैं। जी मेरा नाम माला सिंह है, मैं ग्रीन न्यू शिमला सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ और आज हमने यहाँ पर ग्रीन न्यू शिमला के रेजिडेंट्स जो सेक्टर 1 से 6 तक रहते हैं उनके लिए और यहाँ पे उपस्थित जो स्कूल है उनके लिए एक फ्लावर शो का अरेंजमेंट किया है, और फ्लावर शो प्लस ये एग्जिबिशन एंड कॉम्पिटिशन है जी। तो हमारे पास अराउंड 30 एंट्रीज आई हैं, 6 स्कूलों की है, 30 रेजिडेंट्स की है इंडिविजुअल, और ये एक किस्म का पर्यावरण के प्रति और फूलों के प्रति सब में एक प्रेम भावना जगाने की कोशिश है। और जैसा आप देख रहे हैं सीज़न थोड़ा ठंडा हो गया है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी नहीं है, पर फिर भी जो हमारे पास एंट्रीज आई हैं बहुत ही कमेंडेबल हैं, बहुत खूबसूरत फूल यहाँ पे आए हैं। पार्टिसिपेट कहाँ से हैं मैम? ये सारे न्यू शिमला के हैं जी, दिस इज ओनली फॉर न्यू शिमला एरिया। और किस किस तरह की फ्लावर्स की जो वैरायटीज हैं यहाँ रखी गई हैं? 3 किस्म की वैरायटीज हमने रखी हैं जी, सकुलेंट्स हैं, फॉलिएज प्लांट्स हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।